हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्प से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बलबीर सिंह कट है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप लोग भी जानते हैं कि बलबीर सिंह कट है वो आधुनिक समकालीन कलाकार हैं। अब आधुनिक समकालीन कलाकार हैं क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इनका पता ही नहीं है कि इनकी डेथ कब हुई है, क्योंकि ये 2000 में जब अपने घर से निकले थे तो ये अपने घर मतलब उसके बाद से ही ये लापता हो गए थे। उस टाइम में ये क्या थे, ये मतलब विश्वविद्यालय के ये मतलब उस पर डीन पद पर मतलब डीन थे, डीन मतलब जान रहे हो, अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये विश्व मतलब विश्व भारती विश्वविद्यालय है, यानी कि कला, ठीक है, कला भवन शांति निकेतन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पर उसके प्रोफेसर थे। उसके बाद यहाँ पर ललित कला अकादमी के यानी कि BHU के ये फिर क्या हो गए, डीन हो गए, यानी कि अध्यक्ष हो गए, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम पूरी देखते हैं क्या क्या है इनको, क्या क्या मिला है। बाकी इनकी वाइफ का बता देते हैं, इनकी पत्नी जो है, तो सभी लोग जानते होंगे कि इनकी पति जो है वो कौन है, लतिका कट है, वो भी एक मूर्तिकार है। वो कौन है, एक मूर्तिकार है। तो चलिए यहाँ पर हम वो बात करते हैं, लतिका कट कह रही हूँ, लतिका कट की नहीं, लतिका कट तो इनकी मिसेज है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बलबीर सिंह कट की बात करते हैं। चलिए तो यहाँ पे बलबीर सिंह कट के बारे में बताते हैं। तो बलबीर सिंह कट हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं इनकी पत्नी लतिका कट है, ये मैंने बता ही दिया है, ये भी एक मूर्तिकार के रूप में इनको जाना जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बलबीर सिंह कट हैं, तो यहाँ पर जो इनका जन्म स्थान है, ठीक है, तो यहाँ पर जन्म स्थान है, यहाँ पर पहले तो इनके जन्म देख लेते हैं। जो इनका जन्म हुआ है 20 जुलाई 1939 में हुआ है, और कहाँ पर हुआ है, रावलपिंडी पाकिस्तान। तो रावलपिंडी उस टाइम में जब देखो, क्योंकि उनका जन्म कब हुआ है, 1939, तो यहाँ पर उस टाइम में भारत का विभाजन तो हुआ नहीं था, तब ये भारत हमारा मतलब जब भारत था तो ये रावलपिंडी किस में पड़ता था, भारत में पड़ता था, ठीक है। तो अब मतलब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो गया, जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो गया तो ये किस में आ गया, रावलपिंडी, ये आपका आ गया पाकिस्तान में आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, तो आपको पता ही है कि बलबीर सिंह कट का जन्म कब हुआ है, तो यहाँ पर 20 जुलाई यहाँ पर 1939 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो बलबीर सिंह कट का जो माध्यम है वो सबसे ज्यादा क्या है। देखो इनके मिसेस का और बलबीर सिंह कट दोनों ही का माध्यम सेम है, ये पत्थर की नक्काशी करते थे, पत्थर पर ही ज्यादा इनको काम अच्छे से आता था। अब हम बात करते हैं कि पत्थर के अलावा इन पर कौन कौन से काम करते थे। इन पत्थर के अलावा ये सीमेंट से भी यहाँ पर उन्होंने मूर्तियां बनाई है, मिट्टी से भी बनाई है, इवन लकड़ी से भी बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनके वर्क जो है यानी कि माध्यम है, जो इनका मीडियम है, आपको इनको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हो गया है, पत्थर के अलावा बात बता देते हैं कि यहाँ पर गुलाबी चूना पत्थर है, जैसलमेर पत्थर है, सीमेंट है, लकड़ी है, काला संगमरमर है। काला संगमरमर में देखो इन्होंने नादेश्वर बनाया था, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला जरूर याद रखिएगा नादेश्वर। और मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, और जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाती हूँ नाइट में, वो आपके सारे के सारे मतलब एग्जाम में आए हुए होते हैं, चाहे आपका वो LT का एग्जाम हो या आपका हायर एजुकेशन का एग्जाम हो, या आप मतलब कोई सा भी हो, चाहे प्रोफेसर का हो, चाहे आपका किसी का भी हो, वो सब आपके आर्ट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुलाबी चूना पत्थर है, जैसलमेर पत्थर है, सीमेंट, लकड़ी, काला संगमरमर, बैजनाथ पत्थर है, उड़ीसा तपंग पत्थर है। तो यहाँ पर जो लोग आर्टिस्ट हैं पत्थर से नक्काशी करते हैं, तो वो लोग जानते होंगे कि यहाँ पर कौन कौन से पत्थर से नक्काशी करी जाती है, कौन कौन से पत्थर से मूर्तियां बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, अब माध्यम की बात कर हो गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पर शिक्षा की बात करेंगे, कि यहाँ पर जो इनके शिक्षा है, यहाँ पर आप जानते हैं कि इनके जो गुरु थे, यहाँ पर बता ही दिया था कि जो इनकी जो शिक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है, यहाँ पर विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन और रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से हुई है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, कहाँ से, UK, ठीक है। यहाँ पे जो इनकी शिक्षा हुई है, शिक्षा विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से इनकी क्या हुई है, शिक्षा हुई है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा यानी कि स्नातक मान लीजिए, स्नातक, ठीक है, स्नातक जो इनका स्नातक हुआ है विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन और रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से हुई है, यानी कि इनकी जो पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो इनकी शिक्षा हुई है वो कहाँ पर, विश्व भारती शांति निकेतन हो जाएगा, और दूसरा रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन हो जाएगा, लंदन कहाँ, UK में हुई है इनकी शिक्षा। तो ये चीज आपका हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं इनके गुरु, जो गुरु हैं इनके राम किंकर बैज हैं, और राम किंकर बैज के बारे में बता देते हैं कि राम किंकर बैज का ही इन्होंने क्या बनाया था, एक शबही बनाई थी, तो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि ये है।
तो इसको भी याद रखिएगा कि राम किंकर बैज ने यहाँ पर माध्यम में सीमेंट स्टोन यानी कि कास्ट मतलब स्टोन कास्ट में इनको बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे साइज भी लिखा है, यहाँ पे 46x39x30 सेंटीमीटर में इन्होंने बनाया है। किसका मतलब उसका मतलब राम किंकर बैच का छवि यानी कि पोर्ट्रेट बनाया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो आप सोच सकते हैं कि अपने गुरु का भी इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया है। अब देखो यहाँ पर क्या बात करते हैं कि जो मतलब ये थे, ये BHU के क्या थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ये क्या थे, प्रोफेसर थे। और यहाँ पर जो ललित कला संकाय यानी कि BHU के यहाँ पर ये क्या रहे हैं, डीन भी रहे हैं, डीन मतलब अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये भी चीज याद रखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर रहे हैं, ललित कला संकाय के ये डीन अध्यक्ष BHU के यहाँ पर अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा यहाँ पर बता देते हैं स्कल्पचर्स फॉर्म ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं, कौन, बलवीर सिंह कट। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखिएगा, मैं नहीं कहूंगी कि यहाँ पर ये चीज मत याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं 1978 में इन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों के लिए, यहाँ पर कॉमनवेल्थ खेलों के लिए कॉमनवेल्थ, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे कॉमनवेल्थ मूर्ति का निर्माण किया। तो यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर आपको दिख जाएगा एडमोंटन जो है राष्ट्रमंडल खेल है, यानी कि कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे, यहाँ पर ही इन्होंने क्या करा था, एक एक मतलब उत्कीर्ण किया था, कार्विंग में इन्होंने एक बनाया था, किसे, यहाँ पर मूर्ति बनाई थी। ठीक है, मूर्ति यानी कि कोई भी कह सकते हैं, अनटाइटल में था, उनका नाम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला है, शीर्षक हीन है, इसका कोई नाम नहीं है, 1978 में है। ठीक है, तो ये 1978 में है और कौन सी जगह पर, एडमोंटन राष्ट्रमंडल खेल में यहाँ पर बनाया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इनके जो उनको शौक था वो किस चीज का शौक था, यानी कि कोई भी किसी का माध्यम कुछ भी होता है लेकिन कुछ और भी करने का होता है। देखो मूर्तियां होती हैं, एक मूर्ति ढलाई भी करी जाती है, एक कार्विंग करी जाती है, मतलब एक ढलाई करी जाती है, तो एक होता है आपका कार्विंग। ठीक है, एक कास्टिंग होता है, एक कार्विंग होता है, तो कास्टिंग आपका हो जाता है ढलाई, तो ढलाई करना उनको ज्यादा पसंद नहीं था, उनको कार्विंग करना ज्यादा पसंद है। कार्विंग मतलब एक जो इंग्रेव करी जाती है, जो यानी कि इंग्रेविंग करी जाती है, उत्कीर्ण करा जाता है, यानी कि जो उसको खोद खोद कर बाहर निकाला जाता है, जो हमारा नहीं चाहिए, जो हमें मटेरियल नहीं चाहिए वो चीज उसको बाहर बाहर निकाला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्विंग कहते हैं। तो इन्हीं को ही जो बलवीर सिंह कट है उनको क्या अच्छा लगता था कि मतलब कार्विंग करना ज्यादा पसंद था, तो ये अपने पत्थर में जितनी भी पत्थरों की मूर्ति बनाते थे उसमें सबसे ज्यादा ये मतलब कार्विंग का ज्यादा काम करते थे। ठीक है, तो ये है, ये कार्विंग को अधिक पसंद करते थे। ठीक है, तो ये चीज मैंने बता दिया है, एक कार्विंग और एक आपका कौन सा होता है, कास्टिंग। ठीक है, दोनों ही एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखो मूर्तिकला, अगर देखो अब मेरे पास तो क्या करूं, इतना टाइम नहीं है, दो दो क्लास लेती हूँ तब भी आपका सिलेबस नहीं होता है, मैं सोचती आपको मूर्तिकला पढ़ा दूं, स्थापत्य पढ़ा दूं, मूर्तिकार पढ़ा दूं, प्रैक्टिस सेट भी करा दूं, मैं कहां से इतना करवाऊं। ठीक है, तो आपको जितना हो सकेगा मैं उतना जरूर करवाऊंगी, बस कोशिश करूंगी कि मूर्ति कला का भी जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दूं, जैसे कास्टिंग हो गया, यहाँ पे धातु की ढलाई हो गई, ठीक है, लॉस्ट वैक्स हो गया, इस टाइप का प्रोसेस तो जरूर बता दूंगी कि कैसे कैसे प्रोसेस किया जाता है, सिरे पर्दी हो गया, ये सब बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए चलिए, ये चीज अच्छा है कि आपको लिए यहाँ पर है, सब कुछ आपको बता दूंगी कि हाँ मूर्ति कला, क्योंकि मूर्ति कला का भी है, तो मूर्ति कला भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है, तो उसको भी बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पर तो हो गया, ये कार्विंग को अधिक पसंद करते थे। अब हम बात करते हैं अमूर्त शिल्प, यानी कि जो इनको, यानी कि जो बलवीर सिंह कट है, अगर इनकी मूर्तियां देखी जाए, मतलब इनकी जो मूर्तियां देखी जाती हैं, तो अगर आप देखेंगे इनकी मूर्तियां, तो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा अमूर्त वाला। अमूर्त तो आप समझ रहे होंगे, एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि इसकी कोई अपनी कोई जो रियलिस्टिक होता है, जो यथार्थवाद होता है, वो यहाँ पर नहीं दिखता है, वो सिर्फ एक सिंबॉलिक के रूप में होता है। सिंबॉलिक आप जानते हैं कि ज्यामिति रूप में बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर किसके रूप में, ज्यामिति रूप में इन्होंने ज्यादा रूप में बनाए हैं, किसने, बलवीर सिंह कट ने ज्यामिति रूप को ज्यादा अधिक दिखाया है अपने पत्थर मतलब जो मूर्तियों में, मूर्ति शिल्प में सबसे ज्यादा अधिक दिखाया है ज्यामिति रूप। चलिए, तो ये चीज हो गया है। अब हम बात करते हैं इनकी मूर्तियों में पत्थर अंदर पिघलता हुआ प्रतीत होता है, जैसे कि यहाँ पर बलवीर सिंह बनाया है, जैसे आप कोई भी चीज है, जैसे कि आप प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक में आपने देखा होगा कि अगर उसे गर्म किया जाए, ज्यादा उसे गर्म किया जाए, तो वो मेल्ट होने लगता है, मतलब पिघलने लगता है। ठीक है, पिघलने के बाद वो नीचे गिरने लगता है, तो मतलब ऐसे गिरते हुए यहाँ पर
प्रतीत होते हैं। ठीक है, जो बलवीर सिंह कट ने जो बनाए हैं वो ऐसे ही यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई बाहर से लेके मतलब अंदर से लेके वो कोई चीज बाहर निकलती हुई पिघलती हुई चीज यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, ये चीज कह सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर ये चीज हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इन्हें दिल्ली पार्कों और चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पे अनुबंधित किया था। तो यानी कि जो दिल्ली के यहाँ पर जो पार्क थे, बहुत सारे पार्क, अब मान लो कोई भी चीज, आप जानते हैं कि पत्थर का ऐसा काम होता है कि चाहे बारिश आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी आए, ठीक है, पत्थर कभी खराब नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा मतलब प्रोजेक्ट मिला था, ये समझ लीजिए कि उनको प्रोजेक्ट मिला था कि उनको सौंदर्य बनाने के लिए, मतलब जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए उनको ये काम मिला था। तो है ना, किसी को अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो पता है कि ये पत्थर की बहुत अच्छी नक्काशी करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको मिलेगा ही ये प्रोजेक्ट, है ना, ऐसा होता है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर इन्हें दिल्ली पार्क और चौराहे के सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पर अनुबंधित किया था। तो यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि क्या क्या इन्होंने बताया था। मंडी हाउस में यहाँ पर दिल्ली में एक मतलब कोई उसका भी कोई अनटाइटल वो भी है, उसका भी कोई शीर्षक नहीं है। तो उन्होंने क्या करा था, एक यहाँ पर क्या बनाया था, एक मूर्ति शिल्प बनाई थी। ठीक है, ये भी अनटाइटल है। ठीक है, बस ये है स्थान पता है कि यहाँ पर मंडी हाउस में बनाया था, नई दिल्ली में बनाया था, ये चीज याद रखना। बाकी ये चीज आपका हो गया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आप लोग भी जानते हैं कि जो मतलब बलवीर सिंह कट है तो इनको किस लिए जाना जाता है, यहाँ पे मूर्तिकार के रूप में इनको जाना जाता है। अब यहाँ पर इनको समकालीन आधुनिक काल के लिए क्यों जाना जाता है, क्योंकि देखो जब तक कोई किसी की डेथ नहीं हो जाती है तब तक आप उसे मृत घोषित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनको तो हम कोई भी मृत घोषित नहीं कर सकता है, क्योंकि ये समकालीन में ही आ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपने भी देखा होगा कि मैंने यहाँ पर 20 जुलाई 1939 लिखा है, उनका डेथ का कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो ये लापता हो गए थे जब ये 2000 में अपने घर से बाहर निकले थे, उसी टाइम में ये लापता हो गए थे। तब ये क्या करते, मतलब उस टाइम में ये क्या थे, उस टाइम में ये डीन थे, एक ललित कला संकाय में BHU में ये डीन थे, और दूसरा ये यहाँ पर क्या कहते हैं शांति निकेतन, मतलब वो है क्या कहते हैं BHU में ये प्रोफेसर थे। कौन थे ये? ठीक है, बलवीर सिंह कट। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना, स्कल्पचर फॉर्म ऑफ इंडिया के संस्थापक थे, ये चीज याद रखना। और बाकी आप भी ये भी चीज याद रखना कि ये कार्विंग के लिए, मतलब कार्विंग उनको ज्यादा करना अधिक ज्यादा पसंद था। ठीक है, ये चीज याद रखना। बाकी अगर माध्यम तो आप जानते ही हैं कि इनका माध्यम स्टोन है, कार्विंग करना ज्यादा इनको पसंद था, ये चीज याद रखिएगा। बाकी इनकी मूर्तियों में अंदर पिघलता हुआ प्रतीत होता है, इसे भी याद रखिएगा। इन्हें दिल्ली पार्कों और चौराहों के लिए सौंदर्य अनुबंधित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ पॉइंट है उसको याद रखना। एक गुरु जरूर याद रखना कि इनके जो गुरु हैं वो राम किंकर बैज है, और राम किंकर बैज के लिए यहाँ पर उन्होंने पोर्ट्रेट भी बनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राम किंकर बैज जो इनकी छवि है, जो माध्यम इनका जो है वो कौन सा हो जाएगा, सीमेंट स्टोन में है। यहाँ पर साइज है तो यहाँ पे 46x39x30 cm हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो समकालीन जो बलवीर सिंह कट हैं, तो इनको यहाँ पर जो इनके वो हैं क्या कहते हैं गुरु राम किंकर बैज हो जाएंगे, और इन्होंने उनकी छवि ही बनाई थी। किसमें बनाई थी, मतलब सीमेंट और या फिर कह सकते हैं स्टोन कास्ट में। ठीक है, तो ये चीज हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये भी चीज याद रखना कि यहाँ पर एक वाला पॉइंट है। ठीक है, 1978 में ये वाला भी पॉइंट याद रखना, 1978 में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम मतलब खेलों के कॉमनवेल्थ मूर्तियों का निर्माण, जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं उनको ही मूर्तियों का निर्माण किया था इन्होंने, किसने, बलवीर सिंह कट ने किया था। अब यहाँ पर इनकी मूर्तियां देखते हैं वो कौन सी थी, यहाँ पर शीर्षक ही है, यहाँ पे अनटाइटल्ड है, इनका कोई सा नहीं है। जो इनका बना था यहाँ पर 1978 में था यही वाला। ठीक है, जो स्थान है एडमोंटन है, राष्ट्रीय मंडल खेल है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने मूर्ति शिल्प का निर्माण किया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मूर्ति शिल्प की बात करते हैं तो नादेश्वर वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बलवीर सिंह कट की कौन सी मूर्ति शिल्प है, तो आप अगर को पता होगा तो आप आसानी से बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादातर आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनकी मूर्तियां है वो कौन सा हो जाएगा, नादेश्वर हो जाएगा। नादेश्वर यहाँ पर किस माध्यम में बना है, तो ये काला संगमरमर में बना है। ठीक है, ये आपकी एक मूर्ति हो गई, इसको जरूर याद रखिएगा। दूसरी मूर्ति की बात करें यहाँ पर, येलो सन
फिल्ट बुट्स एक्रॉस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। स्मारक ये है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं शहीद स्मारक, ठीक है, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, शहीद स्मारक है जो 99 में बना था। माध्य में यहाँ पे पत्थर जिसका साइज है 130 × 91 × 66 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे शहीद स्मारक जो किसमें है, पत्थर में ही बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है स्मारक मॉन्यूमेंट में सबसे बड़े, यहाँ पे सबसे पहले प्रारंभ में इन्होंने मॉन्यूमेंट में ही सबसे पहले बनाया था, यानी कि जो बड़े बड़े हैं स्मारक ये जो बनाए हैं सबसे पहले इन्होंने यही वर्क किया था, कौन सा वाला, मॉन्यूमेंट वाला किया था काम, ठीक है। तो यहाँ पे सिटी स्क्वायर है, तो सिटी स्क्वायर भी इन्हीं का है, ये किसने बना है, ये भी मतलब पत्थर है तो पत्थर में बना है। मोलांकली सेल्फ है तो इसको भी याद रखिएगा। शीर्षक ही ये तो बता ही दिया है कि यारना एडमोंटन राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, रामकिंकर बैच की छवि ही बनाई थी, वो माध्यम कौन सा हो जाएगा, सीमेंट स्टोन कास्ट हो जाएगा। साइज है आपका 46, बाकी इतना साइज नहीं पूछेगा, साइज मत याद रखिएगा, ज्यादातर आपको पूछता है कि यहाँ पर कौन कौन से इन्होंने बनाए हैं, बस आप इनकी मूर्ति शिल्प जरूर याद रखिएगा और बाकी स्थान जरूर याद रखिएगा कौन कौन से स्थान पर है। बाकी ये चीज जरूर रखना, मंडी हाउस एक नई दिल्ली में इन्होंने एक मूर्ति शिल्प बनाई है, ये भी अनटाइटेड है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको यहाँ पर मूर्तियां बता दी हैं, अब हम इनके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर पुरस्कार के बारे में बात करते हैं कि इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले थे। तो यहाँ पर पहले पुरस्कार देखते हैं, यहाँ पर पुरस्कार देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पुरस्कार है यहाँ पर ललित कला अकादमी का, यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था नंबर वन। नंबर टू है यहाँ पर ललित कला अकादमी कोलकाता का, यहाँ पर स्वर्ण पदक मिला था। और नंबर थ्री यहाँ पर क्या मिला था, आईफेक्स और हैदराबाद आर्ट सोसाइटी का यहाँ पर रजत पदक मिला था। तो यहाँ पर तीन पॉइंट आपको याद करने हैं जो पुरस्कार के हैं। नंबर वन है आपका ललित कला अकादमी को, इनको क्या मिला था, यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। नंबर दो पे अगर हम जाएंगे तो ललित कला अकादमी यहाँ पर जो कोलकाता है यहाँ पर क्या मिला था, इनको स्वर्ण पदक मिला था। अगर यहाँ पर तीन नंबर की बात करते हैं आईफेक्स और हैदराबाद के, इन्होंने ललित कला में उनको क्या मिला था, मतलब वो क्या कहते हैं, आईफेक्स और हैदराबाद आर्ट सोसाइटी का इन्होंने क्या मिला था, रजत पदक मिला था, ठीक है। तो तीनों ही इनको पुरस्कार याद रखिएगा। बाकी इनको बता, ये तो चीज मैंने आपको बता ही दिया था कि 2000 में जब ये घर से निकले थे तो ये लापता हो गए थे, उस समय वह विश्वविद्यालय के भीतर भ्रष्टाचार का सक्रिय विरोध कर रहे थे। देखो ज्यादातर क्या हुआ होगा, किसी की ऐसा, मैं तो चाहती हूँ कि हाँ हो ही, मिल ही जाए, है ना लेकिन बस ये है कि मतलब ऐसा होता है कि किसी की डेथ ही हो, मतलब किसी को मार ही जाता है जब यहाँ पे, जब कोई ऐसा कोई काम भी करता होता है ना, तो यहाँ पर यही चीज होता है, अधिकतर किसी के साथ ऐसे ही होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको इसके बारे में, इसके बाद में आपको लतिका कट भी पढ़ा दूंगी, लतिका कट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में भी आपको बता दूंगी कि ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ बलबीर सिंह के बाद लतिका कट आई थी तो उनके बारे में हमने क्या पढ़ा था। देखो आपके चक्कर में, देखो यहाँ पे मूर्तिकार के चक्कर में एक स्टूडेंट नहीं थी, है ना, स्टूडेंट का नाम लेते हैं, अंबिका ही थी, ठीक है ना, ठीक है। तो उसी के लिए ये करा था कि देखो कोई भी स्टूडेंट है, ये नहीं कि मेरे को ना, मैं किसी को जानती हूँ ना ही मैं पहचानती हूँ, ठीक है, बस आपका बस ये है कि हाँ बच्चों से बस बात करती हूँ, बस ये अच्छा लग जाता है कि आप लोग कोई भी, अगर आपसे कोई भी रिक्वेस्ट है कि मैम ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, अगर आप एक बार कमेंट करके बताएंगे तो आपको जरूर पढ़ाया जाएगा। अभी देखो एक स्टूडेंट की अभी तक इच्छा नहीं पूरी करी है, एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला था कि मैम मुझे यहाँ पर फंडामेंटल पढ़ा दीजिए, संयोजन के सिद्धांत वो समझ में नहीं आया है। तो यहाँ पे संयोजन के सिद्धांत तो कला के तत्व भी टाइम निकलेगा तो जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये सोच रही हूँ कि अभी जो आपका कंटेम्प्रेरी में चल रहा है तो उसको तो मैं जरूर ही बता दूं कि ताकि ज्यादातर एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। देखो आपको ये भी बता दूंगी कि एग्जाम का जो बनाने का पैटर्न है वो अब कैसा होगा, वो भी बता दूंगी कि कैसा कैसा हो सकता है। मैट के बारे में बता दूंगी कि हाँ मैट कितनी जा सकती है, वो भी बता दूंगी। चलिए तो यहाँ पर ये चीज हो गया है। चलिए तो यहाँ पर जो चीज पॉइंट है याद रखिएगा, नादेश्वर मूर्तियों में आपको क्या याद रखना है, नादेश्वर याद करना है, येलो सन वो स्पिल्ट है, बुट्स एंड क्रॉस है, इसको भी याद रखिएगा। स्मारक है यहाँ पर शहीद स्मारक वाला जो 99 में बनाया था, माध्यम पत्थर ये वाला जरूर याद करना। बाकी यहाँ पे 1978 में जो बनाया था कौन सा, शीर्षकहीन था, जहाँ पर एडमोंटन राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ के लिए उन्होंने मूर्ति शिल्प का निर्माण किया था, किसने किया था, बलबीर सिंह कट ने निर्माण किया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बाकी पुरस्कार में सबसे ज्यादा याद करना ललित कला अकादमी जो उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, ठीक है, ये चीज याद रखना। बाकी कोलकाता से इनको स्वर्ण पदक मिला था, मतलब ललित कला
अकादमी, ठीक है, कोलकाता से। बाकी यहाँ पर याद करने वाला ये है कि इनका माध्यम है, ये वाला याद रखना। शिक्षा है तो शिक्षा इनका विश्वविद्यालय शांति निकेतन में इनका हो जाएगा। बाकी इनको स्नातक है रॉयल कला वो रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन में हो जाएगा यूके में। बाकी यहाँ पे गुरु हो जाएंगे इनके राम किंकर बैच हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर बनारस में यहाँ पे 2000 में इसी टाइम में यहाँ पर लापता हुए थे जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और ललित कला संकाय के यहाँ पे डीन अध्यक्ष थे, यानी कि डीन थे, ठीक है, ये चीज कह सकते हैं। बाकी आपको एक बार बताइएगा ये कार्विंग के लिए ज्यादा अधिक पसंद करते थे। बाकी यही चीज है। बाकी ये भी याद रखना कि अमूर्त, यानी कि अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, तो ये आपकी ज्यामिति रूप से ज्यादा करना उनको ज्यादा अच्छा लगता था। ज्यामिति रूप ज्यादा, यानि जो इनको आप पिक्चर्स देखेंगे ना, जितनी भी मूर्ति शिल्प देखेंगे ना, सब एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी है वो आपको ज्यामिति रूप में ज्यादा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको मैंने बता ही दिया है बस। और ये वाला भी याद रखना कि यहाँ पर इनकी मूर्तियां जो हैं यहाँ पर पिघलता हुआ, जो से कोई भी चीज होती है, आप सोचो पत्थर को कैसे पिघलाया जा सकता है ना, पत्थर को तो यहाँ पे तो एक कील भी गाड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना, तो सोचो ये नक्काशी करते थे कैसे करते होंगे, वो भी पत्थर को पिघलाना तो बहुत ही मुश्किल बात है। चलिए तो ये चीज हो गया है आपका। बाकी मैंने आपको सब बता दिया है, उसको बहुत अच्छे से याद करना, जब आपकी रिक्वेस्ट है तो बहुत अच्छे से याद करना, ठीक है। तो बाकी यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन, आपका बिल्कुल एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो उसको बहुत मेहनत से पढ़िएगा। बाकी जो मैं कराती हूँ थ्योरी, तो इसीलिए मैं कराती हूँ कि ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए फिर मिलते हैं 10:30 बजे प्रैक्टिस सेट के साथ, और चाहे तो अगर आपको कोई सी भी प्रैक्टिस सेट की डिमांड है तो वो भी बता सकते हैं, उसके लिए भी क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, ओके, थैंक यू एवरीवन, एंड ये लाइक जरूर करते जाइएगा, लाइक जरूर करते जाइएगा, ओके, थैंक यू अगेन।